पापा आप कल भी तरावी के लिए जाओगी? पता नहीं, शायद जाऊं। तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप कभी तरावी पढ़ने गई नहीं ना, इसलिए। आपा आपने लगता है आजम को अपना दीवाना बनाने का फैसला कर लिया है। बानू, मैं मजबूर हूँ। आजम वक्त के साथ एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ रहा है, आज नहीं तो कल हमें पकड़ लेगा। आपा, आजम मुझे एक अच्छा इंसान लगता है। तुम पर शुरू से भरोसा कर रहा है और बिना किसी सवाल जवाब के मदद कर रहा है। क्या ऐसे उसके जज्बात के साथ खेलना गलत नहीं होगा? मानो, क्या मुझे नहीं पता कि आजम ने मेरे लिए क्या क्या किया है? लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। देखो, अगर आजम ने हमें पकड़ लिया तो बचने का सिर्फ एक यही रास्ता होगा। अपनी हिफाजत भी जरूरी है। आपा, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन उसको इतना ज्यादा दीवाना बनाना ठीक नहीं होगा। बानू, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पहले मुझसे मोहब्बत करने का कह रहा था, अब मान नहीं रहा। मैं तो सिर्फ उसके मुंह से उगलवाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। देखो, तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है ना? अच्छा आपा, ठीक है। लैला जी, तुम्हारी अम्मी सहरी नहीं करेंगी क्या? नहीं, उन्हें दवा खानी होती है, नहीं करेंगी। अच्छा, ठीक है। बेटी, अब तुमसे क्या कहूं, मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे तुम्हारी माँ से माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसके लिए एक तोहफा लूं, लेकिन क्या लूं कि वो उसे देखकर मुझे माफ कर दे। ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं आपको सोच कर बताऊंगी।